ओके जी, सो वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु। हाउ आर यू ऑल? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। तो बात करेंगे आज की सेशन की, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले आप लोगों को मुझे बताना है आई एम ऑडिबल विजिबल, उसी के बाद ही आज के विषय के बारे में हम लोग बात कर पाएंगे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गणेश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिव्या, सूरज, सर्वेश, परवेश, आलोक, शालू, सर्वेश, शारद, रूपी, रूबी, रानी, नेहा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सॉरी मैं सबका नाम नहीं ले सकती हूँ। करेंगे क्या, पहले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, उसी के बाद हम लोग बात भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच परवेश, थैंक यू सो मच सुनील। तो जी, आज के सेशन की अगर हम बात करें, आज का जो हमारा सेशन है, हमें पता है कि भाई हमारी जो जर्नी है आधुनिक चित्रकला की तरफ बढ़ चुकी है ना। अगर हम इस विषय में बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी पर्सनालिटी है वो है के एस कुलकर्णी सर। कौन है जी? के एस कुलकर्णी, इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये आपकी वन शॉट क्लास है, यानी कि इसी पूरी क्लास में हम इनके बारे में सारा सब्जेक्ट या जो भी बात करें, कंटेंट की बात करें, सब कुछ एक क्लास में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है रिजल्ट गुरु, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि यहीं से ही आपको फ्री पीडीएफ जो है लाइव क्लासेस के वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी कुछ एक दिनों में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है जी। जी, तो इससे पहले कि यहाँ पर अपडेट हो जाए, है ना, तो लेट नहीं होना आप लोगों ने जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन स्टार्ट करें गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करें। पूजा, दिव्या, अनुराधा ऋषि, वेरी गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी कोहली, वेरी गुड मॉर्निंग। अंश, वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सब ठीक हैं जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी पर्सनैलिटी कौन है, के एस कुलकर्णी, जिनका पूरा नाम कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी, बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही साधारण सी इनकी पर्सनैलिटी, लेकिन जब बात करेंगे इनके कार्यों की तो वो साधारण नहीं थे, वो बहुत ही स्पेशल थे। असाधारण वर्ग जिसको हम कहते हैं ना, उस तरीके का कार्य इन्होंने किया है, ठीक है। तो पहले तो भाई आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजी, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। तो ठीक है जी, हाँ, अगर आज की पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग बात करें, एक ऐसे कलाकार जिनको पता था शुरू से कि इनको कला के क्षेत्र में जाना है, लेकिन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जैसे आम तौर पर सभी जो मिडिल क्लास या किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उन प्रॉब्लम्स को जो है छोटा समझा, उसके आगे मेहनत की, और आज इनकी वो आज ये उस स्थिति पे हैं कि हम और आप लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बात करेंगे कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी जी के बारे में। सबसे पहले इनका एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो के एस कुलकर्णी, ये भारत के जाने माने चित्रकार ही नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे मूर्तिकार, ठीक है, ध्यान देंगे, चित्रकार, मूर्तिकार और एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। क्या थे जी? बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। यानी कि आज जिस कलाकार के बारे में हम लोग बात करेंगे, भाई इन्होंने कला के क्षेत्र में तो कार्य किया ही किया है, चाहे हम चित्रों की बात करेंगे, चाहे हम इनकी मूर्ति शिल्प की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने बच्चों को एजुकेट भी किया है। और किस फील्ड में जी? कला के ही क्षेत्र में काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पर इन्होंने सर्विसेज दी थी। मुख्य रूप से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश से इनका बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि इन्होंने BHU में भी अपनी सर्विसेज दी है। और उसी के लिए अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे ना, अभी तक हम बात करते आए हैं, ध्यान देंगे आप लोग कि भाई कौन सा कलाकार, मैं हमेशा बात करती हूँ कि ये जो कलाकार हैं, इन कलाकार का जो भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भाई इस कलाकार का कर्म क्षेत्र ये रहा है, ठीक है। ये बात हमने हमेशा की है कि कर्म क्षेत्र इनका पर्टिकुलर कोई भी रहा है ना, एक कोई प्लेस हम लोग बताते हैं कि भाई ये इनका क्या था, ये इनका कर्म क्षेत्र था। लेकिन इनके केस में थोड़ी सी चीजें अलग हैं, क्योंकि जब हम इनका परिचय देख रहे हैं, यहीं से ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चित्रकार तो है ही है, मूर्तिकार है। जब हम शिक्षक की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक क्षेत्र में या सिर्फ इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन में शिक्षा नहीं दी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हम पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करेंगे, हम बीएचयू की बात करेंगे, और भी कई संस्थान है कुछ है जहां पर इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। तो यहाँ जब हम केएसई सॉरी जब हम केएस कुलकर्णी जी के बारे में बात करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लगभग 2 से 3 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिससे संबंधित रहे हैं। यानी कि अगर हम अपनी बात करेंगे, हम उत्तर प्रदेश उत्तर भारत की बात करेंगे, हम दिल्ली की बात करेंगे, तो इन दोनों जगह पे इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। तो उस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है जी। यहाँ तक मैं भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करें, देखिए ये तो हो गया इनका परिचय कि क्या थे, और आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी कलाकार हो, कोई एक कलाकार दे उठा के दे दिया जाएगा कि भाई मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना है, मुख्य रूप से जब भी कहीं बात की जाएगी तो आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब जिस भी कलाकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वो 2 या 3 क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। दूसरा, जब हम के एस कुलकर्णी जी के बारे में बात करते हैं तो इनकी पेंटिंग्स पूछा जाता है कि इनके चित्रों में हमें क्या दिखाई देता है, किस विषय पर इन्होंने ज्यादा चित्र बनाए हैं। यानी कि टॉपिक्स की बात करेंगे, विषय की बात करेंगे, विषय वस्तु की बात करेंगे, तो किस पे बनाए हैं जी, ग्राम्य जीवन पर। ध्यान रखेंगे आप लोग ग्राम्य जीवन पर। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, श्री श्री 1008 वाला प्रश्न है, भूलना नहीं है। के एस कुलकर्णी, इन्होंने ग्राम्य जीवन पर सबसे ज्यादा अधिक चित्र बनाए हैं। अब इनके ग्राम्य चित्रों की विशेषता क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक तो इन्होंने अमूर्त शैली को अपनाया था। कौन सी शैली को? अमूर्त शैली को। दूसरा, आपको याद रखना है कि इनके जो गांव की जब हम बात करेंगे, वहां के लोगों की बात करेंगे, तो अमूर्त शैली में चित्र बनाए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने यहाँ पर व्यक्ति चित्रों की चाहे बात करेंगे, चाहे इनकी बाकी और चित्रों की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि समाज का अगर कोई निचला तबका है उसके चित्र भी इन्होंने बनाए हैं, तो उसमें एक चीज ये शो होती है कि वो क्या है, वो इमोशनलेस है, यानी कि भाव रहित चित्र इन्होंने बनाए हैं। कैसे हैं जी? भाव रहित चित्र इन्होंने बनाए हैं, ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले जब भी हम कलाकारों की बात करते हैं जिन्होंने ग्रामीण विषयों पर चित्र बनाए हैं, अगर हम यामिनी रंजन को छोड़ दें, यामिनी रॉय रंजन की बात अगर हम छोड़ दें, क्योंकि उनकी शैली कालीघाट थी, लेकिन बाकी चित्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि भाई गांव की जब विषयों की बात आती तो वहां पर ज्यादातर हमने यथार्थवादी शैली देखी है। इनके विषय में क्या है कि ग्राम में चित्र बने हैं, लेकिन अमूर्त और कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल शैली इनकी रही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, अब जब हम अमूर्त शैली की बात करेंगे तो वहां पर भी हमने देखा है कि भाई अमूर्त शैली में कहीं ना कहीं हमें जो एक्सप्रेशंस हैं, भाव हैं, उनकी कमी रहती है, और ये इनके चित्रों में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो 2-3 चीजें जो आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाएंगी, जब भी कोई चित्रकार किसी शैली को उठाता है तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि वो भाव सहित होंगी या भाव रहित होंगी, ठीक है। तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद अभी सिर्फ हम ये मोटी मोटी तौर पे ना एक आउटलाइन लिख रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए इनके बारे में, ठीक है, कहानी इसके बाद समझ में आ जाए। अगर इनकी पेंटिंग्स की बात करेंगे, 1948 में समर ओलंपिक्स में भारत की तरफ से कुछ कलाकारों की पेंटिंग्स जो है वहां पर भेजी गई थी, जिसमें इनकी पेंटिंग्स को भी भेजा गया था। तो ये इनके लिए भी और भारत के लिए भी काफी सम्मान की बात थी। कहाँ पर? समर ओलंपिक्स, जहां पर क्या है जी, पेंटिंग्स की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई जाती है मुख्य रूप से, और यहाँ पर कई कलाकारों की पेंटिंग्स भेजी जाती है पूरे अगर हम विश्व की बात करें, लेकिन भारत से जो कुछ ही कलाकारों की पेंटिंग्स यहाँ पर भेजी गई थी उनमें से इनकी पेंटिंग्स भी थी। इसी के साथ ये दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, ये भी हमें पता है, बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके समकालीन है, ये किसके समकालीन है जी, एन एस बेंद्रे की ये समकालीन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो होंगे एन एस बेंद्रे, क्योंकि आपको पता है जब भी हम क्लास में किसी पर्सनैलिटी के साथ दूसरी पर्सनैलिटीज को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है, एक सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी, ठीक है। किसके समकालीन है जी, एन एस बेंद्रे के ये समकालीन है। अब यहाँ पर ये सिंपल एक स्लाइड में कम से कम जी आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, ये 10 क्वेश्चन है यहाँ से,
जिनको आपने बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा अभी तक भी सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन तो यही है, जब इनकी शैली सॉरी जब इनकी हम लोग बात करते हैं विषय वस्तु की, कि ग्राम्य जीवन के चित्र किसने बनाए हैं, किसने बनाए हैं, कृष्ण श्याम राव कुलकर्णी यानी कि के एस कुलकर्णी ने बनाए हैं। इनकी शैली की बात की जाती है, भावों की बात की जाती है, दिल्ली शिव चक्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं, किसके समकालीन रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो क्या करना है जी, इसको बहुत ध्यान से देखना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे अब इनके जन्म की, ठीक है जी। इनका जन्म, अगर इनका जन्म के बारे में विषय में पूछा जाता है तो के एस कुलकर्णी, इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1916 को कहां पर, बेलगांव। और ये बेलगांव है कहां पर है जी, कर्नाटका में है। कहां पर है, कर्नाटका में है। अब कुछ बुक्स में यहाँ पर ये 17 अप्रैल दिया गया है, ठीक है जी, 17 अप्रैल दिया गया है। अब आप लोगों को ध्यान देना है, इट्स नॉट 17 अप्रैल, ये क्या है जी, ये 7 अप्रैल है, ये भी आपको ध्यान देना है। कुछ बुक्स में मैंने भी चेक किया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अब जब हमने पहले भी 3 4 5 महीने पहले क्लास ली थी दूसरे चैनल पर, तो वहां पर बच्चों ने कहा था कि मैम इसकी डेट गलत है, ठीक है, लेकिन इसकी डेट गलत नहीं है, इट्स 7 अप्रैल 1916 इज द राइट आंसर। और क्या है, कर्नाटका बेलगांव में इनका जन्म हुआ था। और आपको पता है इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है जी, बेलगांव में हुआ है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है जी। अब देखिए, छोटे थे बचपन से ही इनको पेंटिंग्स का बहुत अधिक शौक था। हम लोग ये नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास फैमिली में थे, ये हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, ठीक है, ये उनमें थे, यानी कि भाई बहन थे, सभी लोग थे घर में, और ये घर में सबसे बड़े भाई थे। बात करेंगे, बहुत छोटे से ही थे तब इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है जी। पिता की मृत्यु होगी तो उसके बाद अगर हम बात करें कि घर में बड़े भाई यही थे, तो कहीं ना कहीं पूरी जो घर की जिम्मेदारी थी वो किस पर आ गई, वो आ गई के एस कुलकर्णी, यानी कि इन्हीं के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई। क्यों, क्योंकि जो पिता थे अकेले वही कमाने वाले थे, जब तक वो कमा रहे थे तब तक जैसे जैसे परिवार का भरण पोषण चल रहा था, यानी कि जो उनकी डेली नीड्स हैं खाने पीने की चीजें वो सही चल रही थी। और उसके बाद हम लोग ये नहीं कह सकते, जब हम बात करेंगे लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो आपको पता है यहाँ पर क्या है कि जीवन यापन हो रहा है बस, है ना, अच्छे से हो रहा है, इसके बाद हम लोग ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको इनकी जीवन का संघर्ष समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति है जी, जी बिल्कुल बिल्कुल शिप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत जगह पर 18 है, बहुत जगह पर 17 भी है ना, तो ये 16 ही इसका राइट आंसर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि तो मैंने मैंने आपको जैसे कहा ना कि पहले भी इस बारे में बात हुई है, और आप लोग गलत नहीं है, बहुत सारी बुक्स में गलत दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए ऑथेंटिक ही निकाला है। उसके बाद अगर कुछ चीजें होती भी हैं तो फिर वो हम लोग आपको पता है चेक जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही आपके पास ऑथेंटिक है, ठीक है, यानी कि क्रीम है आपके पास यहाँ पर, बात अगर करें, ठीक है जी, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब इनकी कहानी कंटिन्यू करेंगे जी, कि अब यहाँ पर क्या है कि भाई परिवार में एक व्यक्ति है जो कमाता है, पिता है, उनकी मृत्यु होगी, अब उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी जी, जो घर घर का कोई भी बड़ा सदस्य होगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। हमें पता है कि भारतीय परिवारों में ये चलता है कि भी पूरे परिवार को साथ में लेके चलना है, बिल्कुल इनके साथ भी वैसा ही था। अब यहाँ पर कला का अंदर से, अगर एक बात करें कि कला का कीड़ा है, अंदर से कलाकार है, पता था इनको शुरू से ही बचपन से ही कि मुझे पेंटिंग्स में ही कुछ करना है, क्योंकि इनको शौक था पेंटिंग्स का, मुख्य रूप से पहले इनको पेंटिंग्स का शौक था, धीरे धीरे बाद में जाकर इन्होंने क्या है मूर्तियां बनाना भी आरंभ की थी। लेकिन अगर हम बात करें अब हुआ क्या कि भाई जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो यहाँ से लोकल स्कूल से इनकी प्रारंभिक शिक्षा चलती रही, लेकिन इसके साथ साथ ये मेहनत मजदूरी भी करते थे साथ में, ठीक है। इन्होंने अपनी पढ़ाई में स्टार्टिंग में कुछ समय तक इनकी पढ़ाई में थोड़ा सा व्यवधान पड़ा, यानी कि जब इनकी पिता की मृत्यु होगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद जब इनको लगा कि मैं अपनी फैमिली को भी जो है साथ में लेके चल सकता हूँ, और मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि पढ़ने पढ़ाई के बिना इनको पता था कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मेहनत मजदूरी भी करते रहे। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी जो एजुकेशन है वो भी इन्होंने यहाँ के लोकल स्कूल से ही कंप्लीट की। धीरे धीरे आगे चलकर हम देखेंगे 1930 का ये वो दौर आएगा जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने, अगर हम इनके कला की बात करें, कला की विषय की बात करेंगे, अभी तक इन्होंने कला की शिक्षा कहीं से स्टार्ट नहीं की थी। क्यों, क्योंकि इनको था कि भाई मुझे कला की शिक्षा जो है जे स्कूल में जाके मुझे एडमिशन लेनी है,
प्रारंभ से ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें इस इंस्टीट्यूशन में जाना है, जब हम पढ़ते हैं कि हमारा ड्रीम है इस इंस्टीट्यूशन में हमने जाके अपनी कुछ ना कुछ जो भी आपके कोर्सेज हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, इनको पता था। क्योंकि उस समय की बात करें तो हमें पता है कि सर, जब हम सर जेजे स्कूल की बात करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज कलकत्ता की बात करते हैं, मद्रास की बात करते हैं, ये दो तीन पूरे देश में ऐसे कॉलेजेस थे जहां पर हर जगह से लोग जो है अपनी आर्ट की एजुकेशन के लिए आते थे। अब ऐसा ही इनका भी ड्रीम था कि भाई जेजे स्कूल में इनको क्या करनी है, कला की शिक्षा लेनी है। अब उससे पहले इनका जो जीवन का संघर्ष था वो तो साथ साथ में चलता ही जा रहा था। अब इसी बीच में धीरे धीरे क्या इन्होंने शुरू किया, इन्होंने 1930 में साइन बोर्ड्स, ठीक है, साइन बोर्ड्स बनाना शुरू किया, और उसके साथ साथ मूवीज के बैनर्स, ठीक है, मूवीज के बैनर्स को इन्होंने बनाना शुरू किया, उसकी चित्रकारी का काम इन्होंने शुरू किया। तो इनकी अर्निंग वहां पर थोड़ी बहुत होने लगी थी। इससे पहले हमने मूवीज के बैनर्स और मूवीज के पोस्टर कहाँ पर देखे हैं, हमने हमने देखे हैं एम एफ हुसैन सर, और उनके साथ भी सेम यही कहानी थी कि भाई उनको भी जेजे स्कूल में एडमिशन कराना है। अब इनके साथ भी सेम कहानी चल रही है, इनको भी अपनी एडमिशन कहाँ करानी है, जेजे स्कूल में। अब देखिए इनकम हो रही है, ले रहे हैं, साथ में घर में अपने जो भाई बहन हैं उनका भरण पोषण कर रहे हैं, माता है, और साथ में अपनी एजुकेशन के लिए भी थोड़ा बहुत अर्न करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, अभी तक जो है सिर्फ ये अर्निंग पर उतना ही ध्यान दे रहे थे जितनी इनको आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं। देखिए बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जब उन्होंने प्रोफेशनली कला का कार्य करना आरंभ किया तो उसके बाद उनकी पेंटिंग्स काफी हाई रेट्स पर बिकी, और उन्होंने मार्केट के हिसाब से भी अपनी पेंटिंग्स को चेंज किया है बेचने के लिए, अर्निंग के लिए। लेकिन यहाँ पर इनके साथ जो है कहानी बहुत अलग है, ठीक है। के एस कुलकर्णी एक ऐसी पर्सनैलिटी है भारतीय चित्रकला इतिहास में जिन्होंने पहले तो अपनी फैमिली को साथ में लेके चले, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद धीरे धीरे जब इनको लगा यानी कि जैसे भाई बहनों की शादी करनी है, उनको स्टेबल करना है, उनको स्टेबल कर दिया, तो उसके बाद ये वो व्यक्ति हैं जो कि पहले अपने अर्निंग के लिए कार्य करते रहे, उसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये वो व्यक्तित्व है, ये वो पर्सनैलिटी है भारतीय चित्रकला इतिहास की जिन्होंने आगे चलकर क्या किया, भारतीय चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए जो आगे यंगस्टर आएंगे, ठीक है, आपके जैसे जो यंगस्टर आएंगे उनको ये शिक्षा देंगे, ठीक है जी, उनको शिक्षा देंगे, और उनको ऐसे जो है अगर हम अमूर्त शैली की बात करें, एक्सपेरिमेंटल शैली की बात करें, तो उसको वो आगे तक लेके जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये कैसे करेंगे, जब ये काम ऐसे काम जो है बिना सैलरी के भी काम करते हैं, एक समय ये भी आता है इनका, ठीक है जी, एक समय ये भी आता है, ठीक है जी, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर आप उस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना जो नीडी है, जो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी भी कर रहा है, पोस्टर्स भी बना रहा है, अपनी शिक्षा के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, अपने घर में भी भेजने हैं। उसके बाद जब हम भारत की बात करेंगे तो उन्होंने राष्ट्र को सबसे आगे रखा, ठीक है जी। अब बात करेंगे इनकी कला की शिक्षा की, ठीक है जी, कला की शिक्षा की अगर इनकी बात करेंगे, 1935 से 1940 तक, ठीक है, अब ये वो समय आएगा जब ये जे जे स्कूल में अपनी एडमिशन करा लेते हैं और यहीं से ही इनकी कला की शिक्षा आरंभ हो जाएगी, ठीक है जी, कला की शिक्षा आरंभ हो जाएगी। अब धीरे धीरे होगा क्या, जब ये जेजे स्कूल में पहुंचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई में रह के इनको पता चलता है टाटा ट्रस्ट के बारे में, किसके बारे में, टाटा ट्रस्ट के बारे में, कि भाई ये भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को पढ़ने के लिए। अब आप सोचिए, इससे पहले ये कार्य कर रही हैं, इन्होंने जेजे स्कूल में अपनी एडमिशन कराई, साथ में दूसरी जगह पर कार्य कर रहे हैं ताकि घर का भरण पोषण करें और अपनी आगे की जो फर्दर एजुकेशन इनको लेनी है उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर पाए। अब होगा क्या, यहाँ पर इसी समय पर ये टाटा ट्रस्ट के बारे में जब इनको पता चलेगा, ये वहां पर क्या है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और वहां पर इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। 1941 से 1943 के बीच में ये वहां पर शोध कार्य के लिए इनको छात्रवृत्ति मिल जाती है, और यहीं से ही बाद में आगे चलकर क्या होगा, यानी कि अपनी इसी स्कॉलरशिप से आगे जाकर कंटिन्यू रखेंगे, जो म्यूरियल्स या भित्ति चित्र होता है उसी में आगे चलकर ही मास्टर्स भी करेंगे आगे चलकर, ठीक है जी, सॉरी, उसी में अपना ही स्नातकोत्तर जो होता है वो डिग्री भी कंप्लीट करेंगे। यानी यहाँ पर अब क्या है, जो इनका स्टडीज का जो एक बर्डन था कि मुझे इसके लिए भी अर्न करना है, वो चीज थोड़ी सी कम होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली पे जो है ध्यान दे रहे हैं। यानी थोड़ा सा ही कार्य करना पड़ता था स्कूल कॉलेज के बाद भी ताकि परिवार को ये थोड़ा सा कुछ ना कुछ फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। अब इससे पहले
ठीक है, अब ये देखिए कहानी आगे चलती जा रही है। अब इसी के साथ अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भारत छोड़ो जब आंदोलन होगा 1942 में, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लेंगे। अभी देखिए एक चीज समझेंगे आप लोग। जी बिल्कुल, हमने बात की थी, ठीक है, हमने बात की थी कि भाई जब किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है ना, ठीक है, तो उसी के बाद वो किसी आंदोलन में जाएगा, सड़कों पर उतरेगा, ठीक है। अगर आपका पेट भूखा है तो आप आंदोलन के लिए बाद में जाएंगे, आप पहले क्या करेंगे जी, आप पहले काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, कहीं पर जाकर दिहाड़ी लगाएंगे ताकि आपको दिन का एक का कुछ जो है अमाउंट मिले, और शाम को आप घर जाओ तो आप अपने परिवार को खाना खिला पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर वही चीजें आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, यानी कि वो समय जब वो काम करते थे, पहले जो ज्यादा इनको काम करना पड़ता था, अब जब इनको स्कॉलरशिप मिल गई तो उसके बाद वो काम का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब सिर्फ इतना कर रहे हैं कि भाई घर भेजने के लिए हो जाए, है ना। अब ये वो समय था जब धीरे धीरे ये कुछ अपनी जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको पूरा करते जा रहे थे, भाई बहनों की शादी करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, धीरे धीरे ये चीजें होती जा रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा, 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि अब राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो अंदर तो है ही है, लेकिन उसके लिए भी अब क्या करेंगे, ये समय निकालेंगे। अब बात करेंगे इनके करियर की, ठीक है जी। तो देखिए जैसे ही इनकी यहाँ से एजुकेशन कंप्लीट होती है, अब इनकी स्थिति हमें पता है, अगर कहीं पे स्कॉलरशिप मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर कहीं पे बाहर की कहीं स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी तो आपको पता है आगे की ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब इसी समय पे इनको ऑफर आया कि दिल्ली में, अभी ये मुंबई में है, कि दिल्ली में एक कपड़ा मिल है, वहां पर एज ए डिजाइनर जो है इनको जॉब ऑफर होती है। और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये थोड़ी सी दुविधा में पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक तो क्या है जी, पढ़ाई लिखाई थी चल रही थी, कैसे कैसे कार्य चल रहा था, घर भी कुछ भेजना है, अब प्रोफेशनली कुछ करना है। अब यहाँ पर ये कला के क्षेत्र में, चित्र कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, मूर्ति कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, लेकिन अभी इनको कोई वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि जहां से इनकी अर्निंग स्टार्ट हो पाती, क्योंकि अभी घर पे खर्चा भेजना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब इनको ये जॉब ऑफर होती है तो ये मजबूरी में, ठीक है, ये अपने मन से नहीं, ये क्या करते हैं जी, ये मजबूरी में ये जो जॉब का ऑफर होता है इसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि अब ये मुंबई से क्या करेंगे जी, मुंबई मुंबई से अभी आ जाएंगे दिल्ली में, ठीक है जी। अभी दिल्ली में आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो कपड़ा मिल होती है यहाँ पर कार्य करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत समय तक ये काम नहीं कर पाते। इनका मन होता था कि यहाँ से ये कल की बजाय आज नौकरी छोड़ के चले जाएं। रीजन क्या था, यहाँ का जो ऑनर था, ठीक है जी, यहाँ का जो ऑनर था वो बहुत ही ज्यादा इनको परेशान करता था, इनको बार बार किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं लगातार पूरे भारत में इनको चक्कर लगवाता था, वो एक्स्ट्रा कार्य करवाता था, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि बहुत रूढ़ था, ये उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने घर की स्थितियों की वजह से ये उनके साथ काम करते हैं, और बहुत हद तक, ठीक है, 1.5 साल के बाद ये यहाँ से क्या करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है, नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका कोई मित्र इनसे मिलने आता है और वो इनको एडवाइस करता है कि तुम अगर यहाँ कुछ नहीं हो तो जिस क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो उसी क्षेत्र में अपने लिए नौकरी ढूंढो, ठीक है। यानी कि तुम्हें चित्रकला के क्षेत्र में जाना है तो तुम यहाँ कपड़ा मिल में क्यों डिजाइन कर रहे हो, तुम जाके किसी आर्ट कॉलेज में एज अ टीचर क्यों नहीं अप्लाई करते, तुम्हारे पास डिग्री है, ठीक है। अब ये चीज उनको समझ में आती है, और यहाँ से क्या होगा, देखिए अब यहाँ से इनकी लाइफ जो है यहाँ से चेंज हो जाएगी। ये क्या करते हैं, ये 1945 में अब यहाँ से नौकरी छोड़ देंगे, और अब क्या करेंगे, बाद में आगे चलकर ये पॉलिटेक्निक जो विभाग होता है कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली जो पॉलिटेक्निक कला विभाग था वहां पर एज अ टीचर ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर हम प्रोफेशनली बात करें, ये इनका फर्स्ट स्टेप है जहां पर क्या होगा, ये कला के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है जी, कला के साथ जुड़े रहेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, परिवार की स्थितियां ठीक हो गई थी, सारे बहन भाई जो हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया है जी, उनको अपनी अपनी जगह पे सेटल कर दिया है। अब ये वो समय है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है गाइस, देखिए मैं आपके थोड़े से बीच में अभी नहीं ले पा रही हूँ आपके कमेंट्स, बिल्कुल रीता प्रताप जी की बुक, बिल्कुल रीता प्रताप जी की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए जब आज के आधुनिक समकालीन, ठीक है रानी आप पूछ रहे हैं, देखिए जब हम समकालीन चित्रकारों की बात करें ना, करेंगे ना, जो अभी भी आपको जो है हमारे बीच रहकर चित्रों का निर्माण कर रहे हैं,
वो यहाँ पे रीता प्रताप जी की बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक कलाकारों तक है, यानी कि जब हम समकालीन की बात करेंगे बहुत है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे वो यहाँ पर नहीं है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए जी बहुत सर्च करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको, ठीक। चलिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं जी, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या होगा जी, अब एकदम फ्री हो गए हैं। अब एक समय ऐसा भी आएगा, जैसे हमने बात की थी ना कि प्रारंभिक दौर में जब ये किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं ना, यहाँ से के बाद भी एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, और यहाँ तक जी घर में स्थितियां सब कुछ ठीक है, अब जो भी करना है अपने लिए करना है ना। बात करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पिंकी। देखिए यही है बिल्कुल, नहीं के स्कूल करनी है उसमें ऋषि, के स्कूल करनी है उसमें। लेकिन अगर एट प्रेजेंट बाकी अगर हम चित्रकारों की बात करेंगे ना, जो अभी हमारे बीच रहकर कला का कार्य कर रहे हैं, वो नहीं है, वो नहीं है उसमें, ठीक है। यानी कि एक मैंने कहा ना कि एक संख्या के बाद आपको उसमें काफी सारे ऐसे हैं कलाकार, बाद में जो हम समकालीन कलाकारों की बात कर रहे हैं ना, वो उसमें उसके बाद के नहीं है। ओके, एक बार मैं चेक करूंगी, ठीक है, एक बार मैं चेक करूंगी, ठीक है जी। चलिए उसके बारे में बात भी करेंगे, और मैंने आपको कहा भी है, देखिए अभी हम प्रभाव बात वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम समकालीन जो अभी भी हमारे बीच कार्य कर रहे हैं इनके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है जी। कुछ को तो हम कवर कर ही चुके हैं, ठीक है, बाकी कुछ जो है उनको कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर वापस आते हैं क्लास में, क्लास में वापस आते हैं जी, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब कुलकर्णी सर की जो फैमिली है वो एकदम सेटल डाउन हो चुकी है। अब इनको क्या करना है, सिर्फ अपने आप को लेकर ही आगे बढ़ना है। अब वो समय है जब ये पूरा का पूरा अपने ऊपर फोकस करेंगे। अब ये एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर ये ज्वाइन करते हैं तो इस समय पर स्टार्टिंग में इनको सैलरी नहीं मिलती, यानी कि ये विदाउट सैलरी यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, और ये इनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पर पहुंच के जब हम बात करेंगे ना कि कला के क्षेत्र में पहुंच गए हैं, भाई आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर हर समय कला के जो बाकी बड़े बड़े कलाकार हैं उनका जमावड़ा रहता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनके आप टच में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आगे आपके फ्यूचर के लिए आने के लिए ये बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच में रहेंगे तो आपकी कला को फुलने फूलने का मौका मिलेगा, और वो मौका इनको यहाँ मिलता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब होते हैं, वहीं से ये मौका इनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पर क्या है, अब इसके बाद ये पूरा फोकस करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी कला के ऊपर, और तो आगे इनको कार्य करना है। और इसी क्षेत्र में ये दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना करते हैं, ठीक है। क्या है, ये दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक अध्यक्ष हैं। देखिए दिल्ली शिल्प चक्र की हमने बात की थी, दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, स्थापना की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो पैग ग्रुप से क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। राम कुमार जैसे कलाकार थे, उसके बाद इस ग्रुप में कौन से लोग थे, जैसे अगर हम बात करें बीसी सान्याल सर है ना, जो पाकिस्तान से आए थे, इधर उधर से कई ऐसे कलाकार आए थे जिन्होंने क्या किया, जो सब एक जैसे सोच वाले, एक जैसी शैली वाले कई व्यक्ति थे, कई कलाकार थे, उन्होंने आगे चलकर दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की। अब ये दिल्ली शिल्प चक्र जो है ये पैग ग्रुप से अलग क्यों है, क्योंकि जब हम शैलियों की बात करते हैं तो इनकी शैली भी हमें कहीं ना कहीं सिमिलर दिखाई देगी पैग ग्रुप की तरह। यहाँ पर इनकी शैली को हम लोग क्या कहेंगे, जो हम दिल्ली शिल्प चक्र की बात करेंगे ये होगी मौलिक शैली, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर वो कलाकार आएंगे जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये क्या कहेंगे कि भाई हमें पश्चिमी शैली जो है उसका अनुसरण करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी एक नई इनोवेशन करनी है ताकि वो लोग हमें फॉलो करें, ठीक है। अभी हमने 1890 ग्रुप की बात की थी, जय स्वामीनाथन की बात की थी, ठीक है, उनके उनके साथ भी ये सब चीजें थी। उन्होंने कहा कि हम उनका क्यों भाई पैग ग्रुप को हम लोग क्यों फॉलो करें, हम लोग वो बनाएंगे कि पैग ग्रुप के साथ साथ यानी भारतीय ग्रुप्स के साथ साथ हमें उनको प्रमोट करना है, उनको सिखाना है, उसके बाद पश्चिमी कलाकार जो हैं वो भी हम लोगों को फॉलो करें। तो यहाँ पर ये चीज हमें दिल्ली शिल्प चक्र में भी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं अगर हम आइडियोलॉजी की बात करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं पैग ग्रुप की ही तरह थी, लेकिन फिर भी पैग ग्रुप से अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो चित्रकार हैं ये अपनी मौलिक शैलियों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि आप किसी से इंस्पायर हो, लेकिन यहाँ पर सबकी शैलियां जो है कहीं ना कहीं आपको अलग दिखाई देंगी, ठीक। अब ये क्या है, दिल्ली शिल्प चक्र, ये बिल्कुल वो कला समूह है जो क्या करेंगे, ये अपने लिए तो कार्य करेंगे ही करेंगे, साथ में आगे जो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है
यानी कि जो दिल्ली का यूथ था, जो कलाकारों का यूथ था, जो समय दिल्ली में जिनका जमावड़ा था, उनको क्या करते थे, ये आगे अच्छा कार्य करने के लिए या आगे कुछ नया कार्य करने के लिए उनको भी प्रेरित करते थे। अब इसके साथ बात करेंगे, अब यहाँ पर देखिए घर की स्थितियां लगभग ठीक हो गई हैं, अब इन्होंने अपने लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। अब अपने लिए कार्य करेंगे तो अब क्या करेंगे, अब जो भी कार्य करेंगे अपने लिए वो बेस्ट करेंगे, बेस्ट करेंगे यानी कि यहाँ पर हमें ये क्या दिखाई देंगे, एक हर क्षेत्र में ये लीड करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें कुलकर्णी सर कैसे दिखाई देंगे, एक लीडर के रूप में अभी ध्यान देंगे। देखिए कुलकर्णी सर ने 1947 के आसपास से ही देखिए त्रिवेणी कला संगम की स्थापना हो जाती है, हमने बात की थी, ठीक है। ये 47 से इसका मुख्य रूप से एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रखा गया था। 48 में हमने देखा था कि इसकी स्थापना हो गई थी, और त्रिवेणी कला संगम ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आज तक भी वर्किंग कंडीशन में है। यानी कि उस समय की अगर हम ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है, उस समय हमने देखे बहुत सारे ग्रुप थे उनकी बात करेंगे, ठीक है, तो क्या है, चाहे हम पैग ग्रुप की बात करें, दिल्ली शिल्प चक्र की बात करें, कितने सारे कला के ग्रुप बने, सबके सब कुछ समय के बाद क्या हुआ जी, खत्म हो गए, हमें पता ही नहीं है उन ग्रुप्स के बारे में। अब हम इतिहास में जुड़े हुए हैं कि उन्होंने ये कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो ग्रुप नहीं चल रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उनमें से सिर्फ इकलौता कौन, त्रिवेणी कला संगम, जिसका अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो जिसकी स्थापना किया कुलकर्णी जैसे कुछ महान कलाकारों ने रखी थी, और आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है, यानी आज भी क्या है, ये त्रिवेणी कला संगम जो है ये चल रहा है। यहाँ पर आज भी कई वर्कशॉप्स हैं, कई कार्य हैं चित्रकला के जो कराए जाते हैं, और यहाँ आज भी क्या है, कलाकारों को आगे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए आज भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है जी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो त्रिवेणी कला संगम है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने 1949 से 68 तक इन्होंने निदेशक के रूप में कार्य किया है। किसके रूप में, निदेशक के रूप में कार्य किया है। इसके साथ साथ 1948 से 52 में इन्होंने अखिल भारतीय ललित कला, ठीक है, एक ये, उसके बाद शिल्प सोसाइटी दिल्ली के सचिव भी रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इनके विषय में एक चीज और देखने को मिलेगी कि इन्होंने एक साथ ये कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए थे। अभी तक आपको क्या हो रहा था कि नहीं मैम फला जो चित्रकार है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है, फला जो चित्रकार है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है। अब यहाँ पर कुलकर्णी सर एक ऐसे कलाकार हैं जो एक समय में एक नहीं कई ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेकर चल रहे थे, कई ऑर्गेनाइजेशंस में एक साथ कार्य कर रहे थे, किसी में निदेशक हैं, किसी में सचिव हैं, किसी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय चित्रकला के विकास के लिए इन्होंने बहुत अधिक मेहनत की थी, एक साथ कई जगह पर इन्होंने कार्य किया है। अब इसी क्षेत्र में चाहे आप भारतीय ललित कला अकादमी की बात कर लीजिए, शिल्प सोसाइटी की बात कर लीजिए, त्रिवेणी कला संगम की बात कर लीजिए, या दिल्ली शिल्प चक्र जो 1949 में जिसकी नींव रखी गई थी इसकी बात कर लीजिए, इसके भी ये संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है जी। ओके ओके ठीक है ऋषि, आप कह रहे हैं कि के एस कुलकर्णी जो है ये रीता प्रताप जी की बुक में नहीं है। जी मैं वही कह रही हूँ कि रीता प्रताप जी की बुक में, मुझे लगा कि शायद ये होंगे क्योंकि ये तो भाई काफी पुराने कलाकार है ना। दिल्ली शिल्प चक्र की बात करेंगे, कलकत्ता कला ग्रुप की बात करेंगे, ऐसे कई सारे हैं जिनके बारे में रीता प्रताप जी की बुक में लिखा गया है, लेकिन हो सकता है आप कह रहे हैं, हो सकता है इनके बारे में स्पेशली इनके बारे में नहीं कुछ लिखा गया उसमें, ठीक है, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो हमें वहां पर नहीं मिलते हैं, किसकी बुक में, रीता प्रताप जी की बुक में, ठीक है जी। ठीक, तो देखिए इससे बाहर आएगा नहीं, कंटेंट मैं आपको यहाँ पे पूरा ही दूंगी, ठीक है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ एक पेंटिंग्स रह जाएं, क्यों, क्योंकि भाई एक एक कलाकार ने हजारों पेंटिंग बनाई है। अब यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं हजारों पेंटिंग्स के बारे में आपको बताएंगी, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी है या जिनके बारे में ज्यादा बात हुई है उनके बारे में हम यहाँ पर जरूर डिस्कस करें, और उसके बाद कुछ जो बच जाती है वो हम कहाँ करते हैं, क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में उसको पूरा करते हैं, ठीक है जी, तो चीज का भी ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसके बाद बात करें नेतृत्व की स्थिति हमने देख ली। अब हमने कहा था कि भाई कुलकर्णी सर जो है एक बहुत अच्छे चित्रकार है ना, ये बात हमने की। एक बहुत अच्छे क्या है जी, मूर्तिकार है, हमने ये भी बात कर ली। अब इसके बाद हमने क्या देखा है कि एक बहुत अच्छे शिक्षक है, यानी कि एक बहुत अच्छे ये टीचर
टीचर भी हैं, ठीक है। अब अगर हम इस क्षेत्र में बात करें तो वहां पर हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ ये डायरेक्टली जुड़े हुए थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। देखिए 1945 से 61 इस बीच में ये दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में इन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था। जब हमने बात की कि भाई क्या होगा, कुछ समय के लिए जो है ये इनको क्या है यहाँ पर सैलरी भी नहीं मिलती, उसके बाद भी यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नई दिल्ली कला विभाग की बात करें तो यहाँ पर 1961 से 1963, ठीक है, कहाँ पर, कला विभाग डीयू में ये क्या है, प्रोफेसर रह चुके हैं। उसके बाद 1969 से 1972 तक न्यूयॉर्क का स्किड मोर कॉलेज था, वहां पर पेंटिंग का ये कॉलेज है मुख्य रूप से, यहाँ पर ये गेस्ट लेक्चर्स के लिए जाते थे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं विजिटिंग प्रोफेसर, यानी बीच बीच में जब इनको बुलाया जाता था तो वहां पर क्या करते थे, गेस्ट लेक्चर्स देते थे वहां पर। आपको पता है इसके लिए बहुत अच्छा एक पैकेज भी मिलता है, अमाउंट मिलता है। इसी के साथ 1972 से 1978 के बीच में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संगीत और ललित कला संकाय की ये डीन रही हैं, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आपको दिल्ली पॉलिटेक्निक जो है ये आपको ऑप्शंस में नहीं मिलता है, ठीक है, न्यूयॉर्क के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, डीयू के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है ऑप्शंस में रहता है बीएचयू, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि जब भी इनके कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे, कार्यों की बात करेंगे, यहाँ पर सबसे सर्वोपरि कौन से स्थान को रखा गया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रखा है गया है, तो वो है बीएचयू, ध्यान रखने आप लोगों ने, क्या है बीएचयू। इसके साथ साथ फिर दोबारा से 1987 से 1991 के बीच में ये दिल्ली आर्ट कॉलेज में भी ये एज अ गेस्ट लेक्चरर ये काम कर चुके हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे कि भाई हमने बात की ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, ये बहुत अच्छे मूर्तिकार भी हैं, और शिक्षक के रूप में तो हमने बात कर ही ली। देखिए जब हम इनकी पेंटिंग्स की बात करेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं, कौन से चित्र बनाए हैं जी, हर तरह के चित्र बनाए हैं, चाहे हम रेखा चित्रों की बात करेंगे, चाहे ऑयल और एक्रेलिक की बात करेंगे। ध्यान रखेंगे इनकी जो ज्यादातर पेंटिंग है वो हमें ऑयल में और एक्रेलिक में ही मिलती है। इन्होंने वाटर पेंट्स में भी काम किया है लेकिन बहुत कम काम किया है, ज्यादातर जो इनका काम है वो ऑयल और एक्रेलिक में मिलता है। इसके साथ साथ इन्होंने टेरिकॉटा की मूर्तियां बनाई हैं, लकड़ी के साथ साथ सिरेमिक की मूर्तियां भी इन्होंने बनाई हैं। अब देखिए जब इनकी हम मूर्तियों की बात करते हैं ना, तो ये जो मूर्ति आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका टाइटल कुछ नहीं है लेकिन इन्होंने इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये करते क्या थे, अगर आप इसके बेस पे ध्यान देंगे, ठीक है जी, तो बेस इसका लकड़ी का है, ऊपर ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये मेटल है लेकिन ये मेटल नहीं है। ये क्या करते थे, प्लास्टर है, क्ले है, सीमेंट है, इन सबको मिलाकर मोल्ड कर और उसके बाद अपनी मूर्तियों का निर्माण करते थे। यानी कि इस तरह से इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, अगर इसके माध्यमों की हम लोग बात करेंगे। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है, इसी तरीके की इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं। अब इसके साथ 1979 में, ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो आंशिक समय के लिए जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था, तो वो कौन है जी, वो के एस कुलकर्णी है। 1979 के समय में कुछ समय के लिए ये एक अलग तरह की डिजीज से ये इन्फेक्टेड हो गए थे, उससे इनको थोड़ा सा कम दिखाई देने लगा था, यानी कि कुछ समय के लिए ही, ठीक है, और उस समय ये लोगों को नहीं पहचानते थे, जिसको हम कहते हैं ना स्मृति, मेमोरी खत्म, तो क्या है वो कुछ समय के लिए लोगों को पहचान भी नहीं पाते थे कि कौन कौन है। लेकिन क्या हुआ कि भाई एक कलाकार है, ठीक है, वो बहुत समय तक ना इस तरह की जो पर्सनैलिटीज होती है उनके साथ जो नेचर है ना वो भी बहुत कुछ गलत नहीं कर पाती है। यानी कि क्या है, यहाँ पर इन कुछ समय के बाद ये ठीक भी हो जाते हैं, फिर दोबारा से कुछ कार्य भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था बीच में, ठीक है। यानी कि 1979 ये एक समय ऐसा आएगा जब ये अंशकालीन क्या है जी, आंखों की इनकी जो दृष्टि है वो कुछ समय के लिए हम लोग कह सकते हैं कि कम हो गई थी, ठीक है, और उस समय के लिए इन्होंने चित्रकारी करना छोड़ दिया था। रीजन क्या है, छोड़ा क्यों था, इन्होंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि इससे पहले हमने कुछ कलाकारों की बात की ना, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हारिका, आप बाद में देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में देखिएगा, रेस्ट करिए, आज समय ही कुछ ऐसा चल रहा है ना।
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अब हमने बात की कि इन्होंने जो है, एक तो इनकी स्मृति भंग होगी जो हम बात कर रहे हैं, तो उस समय बहुत मुश्किल था, कुछ समय के लिए बाधित हुआ, इन्होंने चित्रों का कोई कार्य नहीं किया। हमने बात की थी विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में, ठीक है। हमने बात की सतीश गुजराल के बारे में, ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिनको क्या है, जो बचपन से, या जैसे विनोद बिहारी की बात करें तो उनको बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो उनका नेचर था, उनको उन्होंने वो चीजें देखी ही नहीं थी। उन्होंने उन्हीं सब चीजों के साथ, यानी जो भी कुछ प्रॉब्लम थी उन्हीं के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि उनके लिए वो कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। अगर हम ऐसे ही स्पीच गुजराल की बात करें, छोटे बच्चे थे जब उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो भी थोड़े से नॉर्मल हो गए, क्योंकि उनके साथ भी फिर ये प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होती गई, क्योंकि वो उस समय बच्चे थे, ठीक है, तो चीजों को उन्होंने कोप अप कर लिया। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, आप हम लोग बात कर सकते हैं कि ये 40s में है ना, यानी कि भाई हमारी उम्र से भी हम लोग कह सकते हैं कि शायद 1-2 साल बड़े रहे होंगे, ठीक है, या हो सकता है 30 से 40 साल के बीच में अगर हम बात करें नॉर्मली, ठीक है। उस समय पर जब आप प्रोफेशनली कार्य कर रही हैं, आपने सारी दुनिया देखी है, और उस समय के बाद आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो आपके लिए चीजें बहुत टफ हैं। क्यों? क्योंकि ये सब आपने नहीं देखा है, आप इसके हैबिचुअल नहीं है, तो इसलिए वहां पर आपको क्या है, प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है, और इनके साथ केस और भी खराब हो गया, क्योंकि बीच में क्या हुआ, ये उस जोन में चले गए, उसके बाद इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए कि एक समय के बाद ये लोगों को पहचानना ही भूल गए थे, इनको पता नहीं लगता था, पहचान ही नहीं पाते थे कि कौन है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी ठीक हुई। अब अगर हम बात करें इनकी जो चित्र शैली थी, हमने बात की कि भाई इनकी जो चित्र शैली है उसमें क्या है, हमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं। हमने बात की कि अमूर्त शैली है। अब जब हम इनकी अमूर्त शैली की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर एक पेंटिंग आपके सामने है, अगर इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अमूर्त शैली के साथ भी जब हम आकृतियों की बात करते हैं, तो इनकी जो आकृतियां हैं, जो मानव आकृतियां हैं, वो बड़ी डिफरेंट सी हैं, यानी कि ऐसी मानव आकृतियां आपने नहीं देखी होंगी। इससे पहले हमने देखा है तो वहां पर क्या है भाई, आड़े टेढ़े मुंह बनाए हुए हैं, यहाँ पर आपको फिगर्स एक्यूरेट दिखाई देंगी, आड़े टेढ़े नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो रेखांकन है वो कैसा एकदम सीधा तना हुआ दिखाई देगा, ठीक है, जो रेखांकन है कैसा है एकदम तना हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर अमूर्त शैली में भी इनकी हम आकृतियों की बात करते हैं, तो ये आकृतियां कुछ कैसी हैं आपके सामने है, ठीक है, यानी यहाँ पर ये क्या है, ये इनकी अपनी मौलिक शैली है जो हमें दिखाई दे रही है, और ये इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है जो कई बार पूछी जा चुकी है कि टोकरी बनाने वाली ये चित्र किसका है, तो किसका है जी, के एस कुलकर्णी का है, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात की शैली की, थोड़ा सा वैसे तो आप समझ ही गए देखें कि इनकी जो फिगर्स हैं, जो इन्होंने इस शैली में फिगर्स बनाई हैं, इसमें भी फिगर्स और अब्स्ट्रैक्ट ये दोनों जो है एक बीच का जो है कॉन्सेप्ट इनका समझ में आएगा। जैसे भी हमने बात की ना कि अमूर्त भी है लेकिन सीधी खिंची हुई रेखाएं दिखाई देंगी, यहाँ पर क्या है हमें एकदम अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त शैली की तरह नहीं दिखाई देंगी प्रॉपरली चीजें, तो ये क्या है, ये इनकी अलग शैली है। क्यों अलग शैली बनाई, क्योंकि देखिए ये पारंपरिक शैली इनकी हमें कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में विश्वास करते थे, मॉडर्न एज में विश्वास रखते थे, मॉडर्न एरा में विश्वास रखते थे, ये कहते थे कि जो आगे आने वाला समय है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, जो पीछे चला गया, जो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसको हमें दिल में रखना है, और जो आगे आने वाली है उसको हमें अपने दिमाग में रखना है, तो ये उस तरीके से चीजों को लेकर चलते थे। अगर इनके आधुनिक शैली में भी हम चित्रों की बात करते हैं, तो इनकी पेंटिंग्स के बारे में कहा जाता है कि जो इनकी पेंटिंग्स हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं जो अजंता की पेंटिंग्स हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, जब हम इनकी आकृतियों की बात करते हैं, यानी कि अमूर्तता के साथ किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, किसका मिक्सचर देखने को मिलेगा, तो वो होगा अजंता के भित्ति चित्रों का, ठीक है। और इसके साथ चाहे हम, जैसे हमने बात की ना कि भाई ऐसे कलाकार थे जो कहते थे कि जो हमारी परंपरा है उनको दिल में रखना है, तो बिल्कुल ठीक है जी, इन्होंने कई ऐसी पेंटिंग्स बनाई है बाद में भी, जहां पर जो भारतीय परंपरागत शैलियां हैं, यहाँ की आदिवासी शैलियां हैं, वो भी इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बनाई हैं। अब जब हम बात करेंगे इनकी अमूर्त शैली की, हमने बात की ना कि बड़े ये प्रयोगवादी थे और कहीं ना कहीं आधुनिकता में विश्वास रखते थे, तो उसी शैली में ये इनकी बहुत फेमस पेंटिंग है तीन बहनें, ठीक है जी, तीन बहनें, और ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी हैं, तीन बहनें किसकी कृति है, तो किसकी है जी, के एस कुलकर्णी की है, और ये बिल्कुल इन्होंने कुछ इस तरीके की बनाई है। हाँ बिल्कुल,
चलिए, हाँ जी बिल्कुल। अभी देखिए भाई, यहीं पे रिश्ते भी पक्के हो जाएंगे क्या? चलिए, वेरी नाइस। वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल माला, बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन्होंने यूरोपीय शैली में भी कार्य किया है। इन्होंने देखिए एक्रेलिक और ऑयल्स में ज्यादा कार्य किया है, लेकिन जब हम भारतीय परंपरागत शैलियों की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं कि वॉश में या इन्होंने वाटर पेंट्स में काम नहीं किया। इन्होंने हर शैली में कार्य किया है, लेकिन जो ज्यादातर इनका कार्य है वो हमें ऑयल में और एक्रेलिक में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल, चलिए ठीक है जी। अब बात करेंगे किसकी, इनकी जो कुछ फेमस पेंटिंग्स हैं या इन्होंने किस तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं, अब वो देख लेते हैं। देखिए इन्होंने स्त्री और पुरुषों की बहुत आकृतियां बनाई हैं, देख ही चुके हैं। अभी मैंने दो तीन पेंटिंग्स दिखाई, दोनों तीनों में आपने देखा है कि इन्होंने बैल के चित्र बहुत अधिक बनाए हैं। अब अगर जब हम इनके बैल के चित्रों की बात करेंगे, एक इनकी बैल का चित्र, ये बहुत ही ज्यादा फेमस ये पेंटिंग है। ये बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है केएस कुलकर्णी का कि क्या है बैल चित्र, किसका बनाया गया है, तो केएस कुलकर्णी का है। बिल्कुल ये है। अब यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि बैलों के चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो कुलकर्णी सर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैल चित्रण इनका एक पेंटिंग नहीं है, इन्होंने बैलों की कई पेंटिंग्स बनाई हैं। अब दूसरी पेंटिंग आपके सामने है, इनमें से मुख्य दो पेंटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी जो इनकी काफी फेमस है। ठीक है, एक आपने देखी ली, ठीक, बैल का चित्र। दूसरा जो है बुल फाइट है। ठीक है, ये बुल फाइट है और ये शायद इन्होंने प्लास्टिक की, या इसका जो आधार है वो कुछ अलग सा था, प्लास्टिक शायद आधार पर इन्होंने ऑयल में बनाई है। ठीक है, प्लास्टिक या लोह। इनकी एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने लोहे की शीट्स पे भी कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, यानी कि लोहे का कुछ आधार रहा होगा। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, कोई शीट है, ठीक है, आयरन की, उस पे भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं। ठीक है, तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी लोहे की जो शीट्स हैं, आयरन शीट्स पे किसने कार्य किया है, कुछ एक पेंटिंग्स उस पे भी इन्होंने बनाई है। किसने बनाई है? केएस कुलकर्णी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब इसके बाद पनघट के चित्र या पनघट पर, ये किसकी पेंटिंग है? केएस कुलकर्णी की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इसके साथ है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इनकी पेंटिंग्स किसने बनाई है? के एस कुलकर्णी ने भी बनाई है। बहुत सारे कलाकारों ने बनाई है और इन्होंने भी बनाई है। थ्री सिस्टर्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम देख चुके हैं। मदर एंड चाइल्ड, बहुत सारे कलाकारों ने बनाई है, इन्होंने भी बनाई है। इनकी मदर एंड चाइल्ड जो है वो इन्होंने गोचे पे बनाई है। कैसे बनाई है? गोचे पे बनाई है। होता क्या है अभी दिखाऊंगी मैं आपको। इसके साथ साथ है विलेज मेडन, ये भी इन्होंने बनाई है, और प्राकृतिक दृश्य बहुत सारे बनाए हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना भूल गई हूँ, इनका सबसे जो फेमस चित्र माना जाता है वो श्रृंगार माना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने ऐड कर लेना है। अभी जब हम इसके रिविजन सेशन चलाएंगे वहां पर मैं क्वेश्चन पुट आउट करूंगी। ठीक है जी, क्या है अभी ध्यान दे लेंगे सब लोग। इनका जो सबसे फेमस चित्र है वो श्रृंगार माना जाता है, कि श्रृंगार जो है वो इनकी सबसे अच्छी पेंटिंग है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित एक और चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है, देखिए थोड़ा सा ऑकवर्ड सा है लेकिन ठीक है। अगर वैसे तो ये चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर पूछी भी जाए, देखिए जब हम बात करते हैं ना पैग ग्रुप की, वहां पर हमने एक चीज देखी थी। ठीक है, हमने पैग ग्रुप की बात की थी, वहां पर हमने देखी थी चीज कि भाई पैग ग्रुप में जब हम MF हुसैन सर की बात करते हैं, ठीक है, इन्होंने काफी बाद में विवाद हुआ था इनकी पेंटिंग्स को लेकर कि इन्होंने भारतीय जो देवी देवता थे उनके कुछ आपत्तिजनक चित्र बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आरा और सुजा की, तो इनकी पेंटिंग्स भी थोड़ी उसी तरीके की थी। जब हम बात करते हैं न्यूड पेंटिंग्स की, तो उन्होंने काफी सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं। ठीक है, लेकिन उस समय तक कहीं ना कहीं जो था समाज, इन अगर हम भारतीय समाज की बात करेंगे ना, तो भारतीय समाज इन सब चीजों को एडॉप्ट नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। अब दिल्ली शिल्प चक्र के ये वो कलाकार हैं के एस कुलकर्णी, इन्होंने भी इस तरह की पेंटिंग्स बनाई, लेकिन इनकी पेंटिंग्स ऐसी थी जो देखने में अजीब नहीं लगती थी, यानी कि इनकी जो शैली थी वो इतनी अच्छी थी। और उसके बाद लोगों ने के एस कुलकर्णी, वो कलाकार है जिन्होंने भारतीय चित्रकला इतिहास में इस तरह की पेंटिंग्स को एक स्थान दिया,
कहीं ना कहीं आम जो समाज लोग हैं उन्होंने बाद में इस तरह की पेंटिंग्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और इसका श्रेय किसको जाता है कि एस कुलकर्णी सर को ही इसका श्रेय जाता है, यानी कि ये वो कलाकार हैं जिन्होंने आगे चलकर इस तरह की मॉडर्न पेंटिंग्स के लिए एक रास्ता खोल दिया था भारतीय चित्रकारों के लिए। ठीक है जी, क्योंकि देखिये जब हम बात करते हैं ना कि ऐसे तो समाज में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, चाहे हमें अच्छी लगे चाहे ना लगे, लेकिन जब हम किसी भी धर्म को टारगेट करते हैं तो वहां पर चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं। आपको कभी भी कोई भी जो धर्म है उसको कभी भी टारगेट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि भारतीय जब हम कला की बात करेंगे तो अगर हम टेक्निकली बात करेंगे तो रेखा प्रधान है, और अगर हम ऐसे बात करेंगे तो धर्म प्रधान है। धर्मों से ही क्या हुआ है, हमारी जो भारतीय चित्रकला है वो निकल के आई है आगे। ठीक है, तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए, अगर इस तरह के कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए अब बात करेंगे माँ और बच्चा। हमने बात की थी कि भाई गोचे पर बनाए हैं, अब आप कहेंगे मैम गोचा क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेशंस में नहीं फंसेंगे। देखिए ये जो आपको यहाँ पर ये जो आपको ये इम्प्रेशन के ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आघात कर कर, यानी कि इम्प्रेशन के साथ ब्रश के आघातों से जो चित्र बनाए जाते हैं ना, इसी को गोचे कहा जाता है। ठीक है, गोचे का प्रभाव, जैसे हम बात करते हैं कि भाई ऑयल पेंट से आपने वॉटर पेंट सॉरी वॉटर पेंट से ऑयल पेंट्स का जो इफेक्ट है वो कैसे आता है, गोचे के द्वारा आता है। यानी गोचा यानी जहां पर क्या है, आघात के द्वारा, रंगों से सीधा क्या है, आप सिर्फ ऐसे इंप्रेशन बना के ब्रश से कलर करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से ये जो आप घड़े देखेंगे ना, गोचे वाली जितनी भी कलाएं होंगी या जितनी भी टेक्निक्स होंगी वहां पर आपको घड़ा जरूर दिखाई देगा। ठीक है जी, इसका कुछ अर्थ है इस पेंटिंग में, इन पेंटिंग्स में। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इनका जो बनाया हुआ माँ बच्चा है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद बात करेंगे इनके चित्र विषय की। तो देखिए जब हमने बात की ग्रामीण जीवन को इन्होंने बनाया है जी, बनाया है सबसे बड़ी संख्या ग्रामीण जीवन की इन्होंने बनाई है, और उसमें भी क्या है, ग्रामीण जीवन में भी हमें पता है जो दैनिक क्रियाकलाप की जो चित्र होंगे वो इन्होंने सबसे ज्यादा बनाए हैं। इसके साथ हमने बात की इनके चित्रों की जो एक विशेषता है कि भाई देखिए जब भी हम क्या है अमूर्त शैली में चित्रण करेंगे वहां पर आपको इम्प्रेशन लेस पेंटिंग्स दिखाई देंगी, बिल्कुल इनकी भी है। चाहे इन्होंने अमूर्त शैली में क्या किया है, भारतीय ग्रामीण विषयों को उठाया है, भारतीय ग्रामीण जीवन को दिखाया है, कई गरीब लोग हैं, कई भिखारी भी बनाए इन्होंने, लेकिन उनके फेस पे भी आपको दर्द दया नहीं दिखाई देगी। उनका जो है फेस कैसा दिखाई देगा आपको, इम्प्रेशनलेस दिखाई देगा, क्योंकि यही इस चित्रकला की विशेषता है। अब अगर हम बात करें कि इनकी पेंटिंग्स को आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी और इसके साथ कुमार गैलरी दिल्ली में इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनकी ज्यादा संख्या में यहाँ पर इन पर्टिकुलर पेंटिंग्स में संरक्षित है। इसके बाद भारत के अन्य भागों की बात करें, वर्ल्ड की कई गैलरीज की बात करें, वहां पर ये पेंटिंग्स आपको इनकी मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा ये तीन गैलरीज है जहां पर इनकी पेंटिंग्स आप ज्यादा संख्या में देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे इनकी प्रमुख प्रदर्शनियों की। देखिए बहुत सारी प्रदर्शनियां ऑर्गेनाइज कराई गई हैं। ये एक ऐसे कलाकार हैं जिनकी अप्रोक्स अगर हम इनकी इंडिविजुअल नहीं कह सकते, इनकी अप्रोक्स पेंट जो है एग्जीबिशंस की बात करें तो लगभग 70 से ज्यादा। ठीक है जी, 70 से ज्यादा, इसमें लगभग मैं देखिए 70+ ही है, माइनस नहीं है। ठीक है, ये वो कलाकार हैं जिनकी 70 से ज्यादा पेंटिंग्स के एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराई जा चुकी हैं। आपको याद रखनी है सबसे पहली 1945 वाली क्या है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली में, मुख्य रूप से जगह पूछी जाती है जो, तो जी दिल्ली में ही याद रखना है आपको। ठीक है, दिल्ली में ही इनकी पेंटिंग्स की पहली एग्जीबिशन शुरू कराई गई थी, दिल्ली में ही इन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया था, चाहे एज अ टीचर हो चाहे एक मिल में जॉब करना हो, यानी दिल्ली क्या है और दिल्ली शिल्प सॉरी दिल्ली शिल्प चक्र से ही क्या है ये संबंधित रहे हैं। यहाँ पर तीन चार चीजें हैं जो सीधा सीधा इनसे संबंधित है, जो किससे है जुड़ी हुई है जी, दिल्ली से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि दिल्ली क्या है, हाईलाइट है इनके केस में। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे 1959 सालो पियालो, यहाँ पर ब्राजील में इनकी पेंटिंग का जो है वो भाग लिया था। इसके बाद 1986 बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर कलकत्ता में, देखिए ये ज्यादा नहीं पूछी जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पहली, और उसके बाद अगर हम रिसेंटली इनका कोई कार्य है। देखिए 2021 में, यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर, होम एंड अवे, ठीक है, होम एंड अवे आइकॉन गैलरी है न्यूयॉर्क, वहां पर इनकी पेंटिंग्स को दिखाया गया है रिसेंटली, अभी कब, 2021 में। तो ये भी आपको याद रखना है।
होम एंड अवे गैलरी से संबंधित अगर चीजें पूछी जाती हैं 2021 में न्यूयॉर्क में, या ये पूछा जा सकता है कि होम एंड अवे आइकॉन गैलरी जो न्यूयॉर्क में स्थित है उसमें हाल ही में कौन से भारतीय चित्रकार की जो चित्र है उनको दिखाया गया है, तो वो कौन है जी? के एस कुलकर्णी सर है। कौन है? कुलकर्णी सर है, ठीक, याद रखना है आपको, ठीक है जी, बिल्कुल। ठीक है, और आप में से जो केवीएस के स्टूडेंट हैं उनको तो इनको घोल के पीना है, ठीक है, उनको तो आपको तो घोल के पीने है ये चीज, ठीक है जी, जो भी करंट से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पुरस्कार और सम्मान की, ठीक है जी, बात करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए पुरस्कार और सम्मान, ठीक है जी, पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। देखिए 1947 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और जो है लगाई जा रही थी पेंटिंग्स में, वहां पर इनको कांस्य पदक मिला है, ठीक है। 1955, 62, 65 में ललित कला अकादमी की तरफ से इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ललित कला अकादमी के 1982 में ये फेलो भी रह चुके हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड वो है 1986 में साहित्य कला परिषद नई दिल्ली द्वारा इनको परिषद सम्मान दिया गया था। अब इनमें से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इनसे संबंधित जो पूछे गए हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्कस सब करेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब बात करेंगे इनकी मृत्यु और विरासत की, मृत्यु की बात करेंगे। 7 अक्टूबर 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए 7 तारीख को ही इनका जन्म हुआ था, है ना, जब हम बर्थ की बात करेंगे, और 7 तारीख को ही क्या हुआ है, इनकी डेथ भी हुई है ना, 7 तारीख, यानी कि लकी भी वही डे है, चाहे इस धरती पे आना हो या इस धरती से जाना हो, ठीक है। तो 7 अक्टूबर 1994 में इनका निधन हो गया था। इनके ऊपर इनकी मृत्यु के 2 साल के बाद, वैसे ये फिल्म तो उसी समय बनने लगी थी, वैनेसा एच स्मिथ है, उन्होंने इनके ऊपर एक मूवी बनाई थी, ठीक है, उस मूवी का नाम नहीं कहीं पे मिलता है लेकिन इनका नाम आता है वैनेसा एच स्मिथ। इन्होंने के एस कुलकर्णी के ऊपर एक मूवी बनाई है जो 1996 में प्रीमियर इसका किया गया था, कब, 1996 में। एक और भी मूवी है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि कोई भारतीय थे, उन्होंने इनके ऊपर एक मूवी एक और बनाई है 2000 समथिंग में, लेकिन उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार देखूंगी मैं, ठीक है जी। आप लोगों से डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों के भी दिमाग में रहे कि इनके ऊपर 2 मूवीज बन चुकी हैं, ठीक। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी विरासत के रूप में हमारे पास क्या है, तो इनकी विरासत के रूप में हमारे पास के एस कुलकर्णी ट्रस्ट है। क्या है जी? के एस कुलकर्णी ट्रस्ट है, और ये स्थापित किया था इनके द्वारा ही। रीजन क्या था, जैसे कि हमने बात की कि भारतीय जो हमारी अपकमिंग जनरेशन हैं उनके विकास के लिए भी, उनको सिखाने के लिए, उनकी टीचिंग के लिए भी ये जो थे बड़े इन्होंने कार्य किए थे, और इसी रूप में हमें इनकी ट्रस्ट देखने को मिलती है, जो यहाँ पर क्या करते थे, इन जो आगे की जो जनरेशन है, यानी यूथ है, नेक्स्ट यूथ जो हमारा आने वाला है, उनको यहाँ पर ये टेक्निकली ट्रेंड करते थे। और उसके बाद ये जो ट्रस्ट है ये हर साल कुछ बच्चों को, आई थिंक 3 या 5 स्टूडेंट्स को हर साल जो है स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, जो आर्ट से रिलेटेड यहाँ पर स्टूडेंट है, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे इनकी पेंटिंग की, ठीक है, कौन सी है, हॉर्स, ये इनकी पेंटिंग है, हॉर्सेस, घोड़े किसका चित्र है, तो किसका है, के एस कुलकर्णी का है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है जी घोड़े सिर्फ और सिर्फ एम एफ हुसैन से ही रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे उन्होंने घोड़ों के कई चित्र बनाए हैं, घोड़े सीरीज उन्होंने बनाई है, घोड़े के सबसे ज्यादा चित्र उन्होंने बनाए हैं, लेकिन के एस कुलकर्णी के बारे में बच्चे बहस करते हैं कि मैं उन्होंने जी बैल के चित्र बनाए हैं, भाई कहीं लिखा के तो आई नहीं थे कि उन्होंने सिर्फ बैल के ही चित्र बनाने हैं, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन्होंने घोड़ों के भी चित्र बनाए हैं, और इनकी जो फेमस पेंटिंग है हॉर्सेस, बहुत फेमस पेंटिंग है ये, घोड़े इसको बोला गया है, ठीक है। तो ये किसकी है, ये के एस कुलकर्णी की है, याद रखेंगे। इन क्वेश्चन में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मैक्सिमम बच्चे एम एफ हुसैन लगा के आए थे, जो एकदम गलत था, क्योंकि उनकी श्रृंखला है और इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है घोड़े, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है जी, ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। रानी ध्यान देगी तो यहाँ पर घोड़े दिखाई देंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी। मे बी अब मैम जब हाईलाइट करेंगी तो उसके बाद दिखाई देगा, ये कौन से घोड़े हैं, ये अमूर्त शैली के घोड़े हैं,
ठीक है जी, ये एक घोड़ा यहाँ पे आपने देखा और एक घोड़ा यहाँ पीछे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ नहीं भाई, घोड़े के सींग देखे हैं कभी? घोड़ा और बैल एक दूसरे कैसे दिखाई दे सकता है? अगर अमूर्त शैली में भी होगा तो भी घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। आपने घोड़े के सींग देखे हैं कभी जी? किसी ने देखे हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इस तरह की कम्युनिकेशन में कभी कभी बहुत मजा आता है ना। घोड़े के सींग देखे कभी किसी ने? देखिए इसके कान है यहाँ पर, ठीक है? और जो कुलकर्णी सर के जो उन्होंने बैल बनाई है ना, उनके बैल बड़े हिस्ट पुष्ट हैं। यानी यहाँ पर देखिए घोड़े को कैसे दिखाया गया है, घोड़ा जिन्होंने बनाया है वो ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा सा डाइटिंग में है, ठीक है? लेकिन जब हम बैल के चित्र देखेंगे जो इन्होंने बनाए हैं, बड़े हिस्ट पुष्ट बैल हैं, एकदम खाते पीते घर वाले बैल हैं, और बैल के सींग होते हैं, याद रखना है, ठीक है जी? इस तरीके के सींग उन्होंने बनाए हैं, ठीक है? तो यही याद रखना है आपको। हाँ बिल्कुल, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अपने गूगल फूफा जी को पूछना है और बाद में आपने ये पेंटिंग देखनी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पूनम। रीजन ये है क्योंकि देखिए इसका साइज जो है ना, जहां से मैंने ये पेंटिंग ली थी, इसका साइज बड़ा कंप्रेस करके छोटा सा दिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसको जो है बड़ा करके लगाया, इसलिए ये फेडेड सा दिखाई दे रहा है। देखिए जिसकी जैसी भावना उसको वही चीज दिखाई देती है ना, तो जो आप लोग देखना चाहें वही आपको दिखाई भी देगा। वेरी नाइस। चलिए अब ये इनकी नेक्स्ट पेंटिंग है, ये है महात्मा गांधी जी की पेंटिंग। अब थोड़ा सा रियलिटी में आएंगे आप लोग, ठीक है? अमूर्त शैली का सिर्फ ये चीजें नहीं है कि हमारे जो कलाकार हैं उन्होंने अमूर्त शैली में ही कार्य किया है, ये मुख्य रूप से आप लोग बताएंगे ये कौन सी शैली में ये पेंटिंग बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बैल मूर्ति राघव कनेरिया ने भी बनाई है, अवतार सिंह पवार ने भी बनाई है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, है ना? और ये क्या है, ये बहुत झलाऊ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एक ही तरह एक ही टॉपिक पे कई कई कलाकारों ने कार्य किया है, ठीक है जी? वेरी नाइस वानी, वेरी नाइस, ठीक है? आपने सी प्लान भी बना लिया, बहुत बढ़िया, एक स्टेप आगे चल रही हैं आप, ठीक है जी? तो महात्मा गांधी जी हैं, बिल्कुल, क्या है ये यथार्थवादी शैली है, ठीक है? ये क्या है, यथार्थवादी शैली, यानी कि जो चीजें आपको जैसे दिखाई देती हैं आप उनको बिल्कुल एज इट इज वैसे ही बनाते हैं। कौन है ये? हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, ये इन्होंने बनाई है। अब जब हम अमूर्त शैली की बात करेंगे तो अमूर्त शैली ऐसी होती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं भाई क्या है, मॉडर्न आर्ट है ना? तो अमूर्त शैली ये होती है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा अति यथार्थवाद, ठीक है? अब यहाँ पे दो तीन ये शैलियां हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। यथार्थवाद आपके सामने है, अमूर्तवाद मैंने आपको भी दिखा दी। अति यथार्थवाद क्या होता है कि भाई शैली तो यही रहेगी, जैसे जैसे महात्मा गांधी है बिल्कुल ऐसे एज इट इज बने रहेंगे। भाई मैंने कहा कि महात्मा गांधी जो है, ठीक है, ये इनके हाथ में पेन है, और मैंने कहा कि यहाँ पे सामने जो है सुषमा सिंह खड़ी है, ठीक है? और सुषमा सिंह जैसे भी दिखाई दे रही हैं खुले बालों में, सुंदर सी ब्यूटीफुल सी गर्ल है, ठीक है? तो मैंने इनको बिल्कुल जैसे ये दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे बना दिया कि भी महात्मा गांधी इनको कुछ बुक में कुछ लिख के दे रहे हैं। तो वो क्या होगी, अति यथार्थवाद, क्योंकि वो मैम ने अपने दिमाग से सोचा कि भाई मैं महात्मा गांधी जी के साथ जो सुषमा सिंह को भी बना सकती हूँ, ठीक है? तो ये क्या होगी, अति यथार्थवाद, यानी कि यथार्थवादी शैली में ही आप चीजें कैसी बना रहे हैं, जो आप अपने मन से सोच के बनाते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है सब में, ठीक है जी? और होप सो जिनको अभी तक ये यथार्थवाद अमूर्तवाद और अति यथार्थवाद सिर्फ रटने को मिलता है और पढ़ने को, है ना, मैम बता देती हैं, प्रैक्टिकली कभी दिखाया नहीं, अब प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी? जी इस तरह की ऐनक नहीं, इस तरह की ऐनक तो जी हमारे सुभाष चंद्र बोस भी पहनते थे, है ना? इस तरह की ऐनक पहनते हैं वो भी, गोल वाली। चलिए ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है, अच्छा मजा आता है ऐसे पढ़ने में, है ना? चलिए ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, होप सो आपको भी मजा आया हो, बिल्कुल, है ना? तो करेंगे क्या, आज का सेशन यही एंड करेंगे, शाम को मिलेंगे। देखिए कल आपकी शाम, कल तो छुट्टी थी, उससे लास्ट डे आपकी शाम की क्लास नहीं हुई थी। रीजन ये था कि एक दिन में हमारी दो क्लासेस उससे लास्ट डे शायद पब्लिश हो गई थी, जहां पर आप लोग बट गए थे दो क्लासेस में, ठीक है? तो वो टेक्निकली फॉल्ट था, इस वजह से वो क्लास हमारी परसों नहीं हो पाई, जिसमें था चित्र और चित्रकार, ठीक है? तो टाइम पे आज आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज वो मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ जिसमें क्या है 50+ पेंटिंग्स हैं, कौन कौन से चित्रकारों ने बनाई है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे क्या है आधुनिक और समकालीन चित्रकार हैं। मुख्य रूप से मैंने कोशिश ये की है कि एक समय में आधुनिक जितने भी आपके चित्रकार हैं, जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कुछ नई पेंटिंग्स भी हैं,
उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से, ठीक है? तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहेंगे। शाम को टाइम पे आपने क्लास ज्वाइन करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक तक जो है, आपने कहा था केवीएस, उससे भी देखते हैं कुछ चीजें निकाल के लाऊंगी क्वेश्चंस के माध्यम से, और साथ में कुछ करंट अफेयर्स हैं और कुछ जो आपको अभी सम्मान मिले हैं, ठीक है? आई थिंक 1-2 दिन पहले जो घोषणा हो चुकी है सम्मानों की, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद चित्र, समकालीन चित्र और चित्रकार, और उसके साथ जो मूर्तिकार है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच। तो करेंगे क्या, शाम को सब लोग टाइम पे ज्वाइन करेंगे 10 बजे कहाँ पर, पीएचडी पीएचडी रिजल्ट ग्रुप पे, ठीक है जी? और जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर स्टार्टिंग में करना है, ठीक है जी? और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको जो आपके लाइव क्लासेस की पीडीएफ है, जो इस तरह की कंटेंट क्लासेस है, ये भी आपको पूरी पूरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है जी? तो यहीं पर आपने क्या करना है, यहीं से ही क्लास के जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना है। सुनील, सॉरी, एक्चुअली मैं भी उस दिन लाइव बैठी थी, मुझे खुद ही पता नहीं था, मैं बहुत देर तक टेंशन में रही, मैं टीम के साथ, बाद में पता चला कि कुछ इस तरीके का फॉल्ट है, ठीक है? तो कभी कभी चीजें जो है हमारे हैंड से गलत हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, ठीक है जी? बिल्कुल, आपको मैसेज वैसे तो मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। बुल बनाने के लिए फेमस निहारिका, वहां पर तो केएस कुलकर्णी है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है? क्योंकि बैल के चित्र इन्होंने ही सबसे ज्यादा बनाए हैं, ठीक है, सबसे अच्छे, बिल्कुल। और वहां पर ये इनका ऑप्शन में था, और क्वेश्चन आंसर भी शायद यही सही माना गया था ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? तो क्या करेंगे आप जो है, जी बिल्कुल, शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड कीप स्टडी, शाम को मिलते हैं।